अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे GIT में स्टमक पैथोलॉजी, और उसमें वी आर डन विद द क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। और अब हम कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस पढ़ेंगे कि क्या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं अगर आपका क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस उसी तरह रहे और ट्रीट ना किया जाए। तो जो पहली कॉम्प्लिकेशन हमने पढ़नी है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की, वो है जी पेप्टिक अल्सर डिजीज़। आपने नाम अक्सर सुना होगा, बहुत ही कॉमन कंडीशन है। और तकरीबन मतलब ये कहा जाता है कि पेप्टिक अल्सर का नाम अक्सर लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये है क्या, एक बात अपने जहन में रखना कि पेप्टिक अल्सर इज़ नॉ अल्सर, तो जाहिर सी बात है नाम से पता चल रहा है कि इट इज़ अ अल्सर। अल्सर का मतलब है कि कोई जगह, कोई सरफेस जब इरोड हो जाती है, जब उसमें उसमें एक्सकेविशन हो जाती है, तो उसको अल्सर कहते हैं। एंड पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में वी हैव अल्सरेशन आइदर इन द वॉल ऑफ स्टमक या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट यानी ड्यूडेनम, उस पर भी हो सकती है, या फिर लोअर इसोफेगस पे भी हम कह सकते हैं कभी कभार होगी, ठीक है। लेकिन मेनली पेप्टिक अल्सर जो है ना वो आपके स्टमक में होंगे तो उसे गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे, और अगर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं तो वो ड्यूडेनम में ही होती है, जो आपके पास पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो उसे हम कहते हैं ड्यूडिनल अल्सर्स। तो पेप्टिक अल्सर्स इस दो टाइप के होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर्स या ड्यूडिनल अल्सर्स, ठीक है जी। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज आर द सोर्स या फिर दे आर द अल्सर्स डिवेलप्ड इन द वॉल या इन द म्यूकोजा ऑफ आइदर द स्टमक और फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज ड्यूडिनम, ठीक है, या फिर लोअर इसोफेगस में भी थोड़े बहुत कहा जा सकते हैं। और होंगे क्यों, हाइपर एसिडिटी की वजह से, ठीक है। आपको पता है कि एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा, अगर आप एसिड नॉर्मल तेजाब ले लेते हैं, तेजाब आपको पता है कि आपके घरों में भी होता होगा चीज़ें साफ वाफ करने के लिए, और अगर आप तेजाब को किसी नॉर्मल अपने फर्श पे गिराते हैं ना, तो उसका कलर उतर जाता है उस जगह का, वो ब्लीच आउट हो जाती है जगह, इतना तेज़ होता है एसिड। और वो एसिड भी जो आपके मिलता है नॉर्मली, वो HCl ही होता है मेरा ख्याल है। तो बहरहाल एसिड बहुत स्ट्रांग चीज़ है और वो एक्सकेवेशन कर देती है। तो अगर आपका एसिड जो है वो स्टमक की वॉल में एक्सकेवेशन कर दे, वैसे तो हमने पढ़ा था कि स्टमक में तो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं, लेकिन जाहिर है वो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स जो है वो किसी ना किसी तरह से ब्रीच आउट हुए हुए हैं, उन प्रोटेक्टिव फैक्टर्स के पास मौका नहीं है कि वो प्रोटेक्शन करें, तो स्टमक वॉल में एक्सकेवेशन होगी। या फिर अगर किसी तरीके से स्टमक से ड्यूडनम में जाने का रास्ता मिल जाए उसे, ठीक है, अगर ये आपका स्टमक है ऐसे करके और यहाँ से आगे ड्यूडनम है, तो अगर एसिड को रास्ता मिल जाए ड्यूडनम में जाने का, वैसे यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है जिसे हम कहते हैं लोअर गैस्ट्रिक स्फिंक्टर, ठीक है। तो अगर यहाँ से यहाँ पर रास्ते मिल जाए उसको, तो वो ड्यूडनम की वॉल को, तो वो प्रोटेक्शन नहीं है ना जो स्टमक की वॉल को है, तो ऐसे डेफिनेटली इसकी वॉल को डैमेज करता है और डेफिनेटली यहाँ पर अल्सर डेवलप हो जाते हैं, विच इज पेप्टिक अल्सर, ठीक है। अच्छा, पेप्टिक अल्सर से आपने दो लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने के, मोस्ट कॉमनली जो होता है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से, या एनएसिड। अच्छा, पेप्टिक अल्सर कभी भी ना नॉर्मली देखा जाता है कि एक्यूट अल्सर एकदम से नहीं बन जाता, क्योंकि एक्यूटली आपका हाइपर एसिडिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती कभी भी कि एकदम अल्सर ही बन जाए, ठीक है। नॉर्मली अगर ऐसा हो ना, तो स्टमक की वॉल की एक्सकेवेशन होगी। सपोज जिन लोगों ने कोई चीज़ एकदम से वो टॉक्सिक चीज़ इंजेस्ट की है, सपोज किसी ने तेजाब पी लिया है, ठीक है, आपको पता है ना कि सुसाइडल अटेम्प्ट्स में लोग ऐसा करते हैं, तो ऐसे में आपकी वॉल और स्टमक में अल्सर बन सकते हैं एकदम से, क्योंकि ज़ाहिर तेजाब पिया गया है, डेफिनेटली बन जाएंगे। लेकिन अगर आप ये कहें ना कि जो पेप्टिक अल्सर है, मतलब जो स्टमक के एसिड की वजह से बनते हैं, वो एकदम से बन जाएंगे, तो वो एकदम नहीं होता, क्योंकि आपका अगर एच पाइलोरा इन्फेक्शन हो रहा है, आपका एनएसएड अगर यूज़ कर रहे हैं आप, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें बहुत कॉमन आपकी एस्पिरिन आती है डिस्प्रीन के नाम से, बहुत कॉमनली आपकी पोनस्टॉन आती है, बहुत कॉमन ब्रूफेन आती है, ये सारी एनएसएड्स में आती हैं। मैंने माइल्ड टैबलेट्स के नाम लिए और भी हैं इसमें, ठीक है, नेप्रोक्सिन वगैरह। तो ये जो टैबलेट्स जब क्रॉनिक इस्तेमाल किए जाते हैं, इन चीज़ों का बहुत लंबा अरसा होता है, 3 महीने से ज़्यादा की हिस्ट्री होती है, तो पहले पेशेंट को क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस डेवलप होता है, उसकी भी वो ध्यान नहीं देता, तो फिर वो चीज़ जो है पेप्टिक अल्सर बन जाती है। क्योंकि क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के आपने सिम्टम्स पढ़े थे तो वो भी यही थे कि उसमें भी आपको नॉजिया वॉमिटिंग होगा, हो सकता है कि वॉमिटिंग ऑफ ब्लड होने लग जाए, हो सकता है मेलिना हो जाए, मतलब आपके स्टूल्स में वॉमिटिंग हो जाए, ब्लैक स्टूल्स हो जाए। तो ये सारे सिम्टम्स जब आपको पेप्टिक अल्सर डिजीज हो जाती है तब भी ये सिम्टम्स आते हैं, साथ हार्ट बर्न, चेस्ट पेन, क्योंकि जाहिर है अल्सर बन गया। लेकिन अगर पेशेंट्स को कोई भी ऐसी चीज़ थी, कोई इन्फेक्शन था और उस पर उसने ध्यान नहीं दिया, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की कॉम्प्लिकेशन फिर होती है कि वो आपका पेप्टिक अल्सर बन जाता है, ठीक है। तो ये बात अपने जहन में आपने क्लियर रखनी है। सो अब हम बात कर लेते हैं इसकी, डेफिनेशन तो हमने कर ली, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं। एपिडेमियोलॉजी में ये कि ये बहुत कॉमन डिजीज है, मैंने आपको बताया कि 3 मिलियन से ज़्यादा लोगों की पूरी दुनिया में इससे पर ईयर डेथ हो जाती है, लाइक इट इज़ वेरी कॉमन थिंग, और ऐसी चीज़ है कि जो डेथ कॉज कर देती है, बिकॉज पेशेंट्स जल्दी ना इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, हल्के फुल्का सीने में जलन हुई तो कोई भी हाजमोला टाइप गोली खा ली और गुजारा करते कि
करते गए जब तक कि इतना अल्सरेटेड हो जाता है स्टमक, क्योंकि ये पेप्टिक अल्सर्स अगर ट्रीट ना किया जाए तो दे कैन डेवलप इनटू कार्सिनोमा, क्योंकि फिर वो जगह बन जाती है म्यूटेशन आने की, तो फिर वो कार्सिनोमा बन जाता है, जब कैंसर बन जाता है उनके मेदे का, तो फिर वो ऐसी स्टेज पर पहुँच जाता है कि ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है, तो इट कॉजेज डेथ। ठीक है, अच्छा पैथोजेनेसिस की अब बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको कहा है कि मोस्ट कॉमन जो चीज़ है वो एच पायलोरी है, एनएसिड है। अब आपको मैंने साथ एक बात ये कही है कि हमारे पास पेप्टिक अल्सर डिजीज मोस्ट मतलब जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो हाइपर एसिडिटी है या इंक्रीज एसिड सिक्रीशन है। अब अगर आपने मेरी ही वीडियो देखी हो जो एच पायलोरी वाली है, तो उसमें मैंने ये बात की है कि एच पायलोरी इन्फेक्शन जब होता है तो उसमें दो तरह के सेल्स जो है वो खत्म, मतलब वो मेनली इफेक्ट करते हैं, मैंने कहा था बॉडी और फंडस को। ठीक है, और उसमें आपके जो मेन सेल्स जो मतलब जिनकी तबाही मचती है वो आपके पराइटल सेल्स होते हैं, एंड पराइटल सेल्स आर एसिड सिक्रीटिंग सेल्स, और दूसरे आपके सेल्स जिनकी बहुत ज़्यादा तबाही हो जाती है। ओके, तो अगर अब आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी हो जो एच पायलोरी वाली थी, तो मैंने उसमें बताया था आप लोगों को कि एच पायलोरी इन्फेक्शन जो मोस्ट कॉमनली इफेक्ट करता है वो आपके एंट्रम के रीजन को करता है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली इफेक्ट करता है, मतलब सबसे ज़्यादा एंट्रम इफेक्ट होता है, और एंट्रम में मैंने आपको बताया था कि एबंडेंस में प्रेजेंट होते हैं जी सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर से जी सेल्स बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं जो गैस्ट्रिन सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, जब गैस्ट्रिन सिक्रीटिंग सेल्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, गैस्ट्रिन ने जाके स्टिमुलेट करना था एसिड की प्रोडक्शन को। ठीक है, एचसीएल की प्रोडक्शन को पैराइटल सेल से स्टिमुलेट करना था। अब जब जी सेल्स गैस्ट्रिन कम सिक्रीट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि बाकी जो स्टमक है उसके जी सेल्स एकदम से, बाकी स्टमक में भी हैं जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं कि बाकी जगह पर जी सेल्स नहीं है, लेकिन एंट्रम में सबसे ज़्यादा है। अब जब ये डैमेज होता है, यहाँ के जी सेल्स डैमेज होते हैं, तो बाकी स्टमक एकदम से सेंस करते हैं कि यार गैस्ट्रिन आ नहीं रहा, तो बाकी एरिया गैस्ट्रिन बहुत ज़्यादा रिलीज करने लग जाते हैं अपनी अपनी ज़रूरत से। जब गैस्ट्रिन ज़्यादा रिलीज होता है तो आपको मैंने बताया था कि बॉडी और फंडस में पैराइटल सेल्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि एसिड को सिक्रीट करते हैं, तो इंक्रीज गैस्ट्रिन सिक्रीशन बाकी सारे एरिया से बिकॉज एंट्रम से नहीं हो रहा लीड्स टू इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एसिड विच लीड्स टू हाइपर एसिडिटी इन एच पायलोरी इन्फेक्शन। ठीक है, एच पायलोरी इन्फेक्शन क्रॉनिक हो जाता है तो बहुत ज़्यादा एसिड की प्रोडक्शन हो जाती है। कभी कभी एच पायलोरी बॉडी और फंडस को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली एंट्रम को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, और उसमें हाइपर एसिडिटी होती है, और जो आपके एनएसएड्स हैं नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जो आपकी, इनमें तो जब क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है मतलब ये जब आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं, तो इनकी ये एबिलिटी होती है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को भी डिक्रीज करती हैं एनएसएड्स जो है, जिसकी वजह से आपका जो प्रोस्टाग्लैंडिन, आपको पता है कि ये वेसल्स की डायलेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर वेजोडायलेटर्स, और हमारे पास वेजोडायलेटर जो मैकेनिज्म है, आपको मैंने ये भी बताया था कि जब प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म मैंने स्टमक के बताए थे, तो आई टोल्ड यू कि जो ब्लड सप्लाई है स्टमक की वो बहुत रिच है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एसिड को और एक्स्ट्रा जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं वो इसे फौरन यहाँ से ले जाती है। अगर वेजोडायलेटर सिक्रीट नहीं होता तो ब्लड सप्लाई स्टमक की डिक्रीज होगी, क्योंकि वेसल्स पहले अगर इतनी चौड़ी थी तो अब वो तंग हो जाएंगी। ठीक है, तंग वेसल्स में जब डिक्रीज ब्लड सप्लाई होगी तो डिक्रीज अमाउंट ऑफ प्रोटोन यहाँ से जाएंगे, तो एसिड सिक्रीशन बढ़ जाएगी। ठीक है, लीड्स टू हाइपर एसिडिटी। तो होपफुली ये बात समझ आ गई होगी, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। सिंपली प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, ब्लड वेसल्स को खुला खुला रखते हैं, डायलेटेड रखते हैं, नहीं होंगे ब्लड वेसल्स तंग हो जाएंगी, स्टमक की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होगी, तो इतना याद रखना कि स्टमक की ब्लड सप्लाई वॉज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म फ्रॉम एसिड ऑफ द स्टमक। जब वो स्टमक का एसिड प्रोटेक्ट से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म खत्म होगा तो एसिड जब स्टमक की वॉल को इन्फेक्ट करने लग जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास मोस्ट कॉमन ये दो को फैक्टर्स हैं आपके हाइपर एसिडिटी की वजह से होते हैं। उसके अलावा किसी भी वजह से मतलब मजीद जो कॉजेज हो सकते हैं, अगर किसी वजह से पैराइटल सेल हाइपरप्लेजिया हो जाए, कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन था उसने कर दिया, आपको पता पैराइटल सेल्स जो है वो एसिड सिक्रीटिंग सेल्स हैं, अगर उनका हाइपरप्लेजिया हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि एसिड की सिक्रीशन बढ़ जाएगी। उसके अलावा आपके पास अगर जो इनहिबिटरी मैकेनिज्म्स हैं जो मतलब हमारे पास गैस्ट्रिन को रिलीज हो रहा है, जी सेल्स रिलीज हो रहे हैं, उसको इनहिबिट भी तो होना है ना, तो उसके लिए जो इनहिबिटरी हॉर्मोन्स है अगर उनके रिलीज कम हो जाए तो भी हमारे पास एसिड की सिक्रीशन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इनहिबिटरी मैकेनिज्म्स खराब हो जाए। और फिर हमारे पास एक सिंड्रोम आता है, ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में ना आपके पास एक विसिकरी ट्यूमर, एक ट्रायड है ये तीन चीज़ों का, जिसमें एसिड की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है। तीन चीज़ें इसमें, इंक्रीज एसिड सिक्रीशन है, उसके बाद पेप्टिक अल्सर बन जाते हैं उस वजह से, और तीसरी चीज़ है कि इसमें हमारे पास
पेनक्रियाज में, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में ट्यूमर होता है, ठीक है? तो वो जो ट्यूमर है ना, वो एक्सेसिव प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं गैस्ट्रिन की, और गैस्ट्रिन एक्सेसिव प्रोडक्शन करवाते हैं एसिड की, और एसिड क्या करते हैं, एक्सेसिव प्रोडक्शन कर देते हैं पेप्टिक अल्सर्स की, ठीक है? तो ज़ेलेंजर एलिसन सिंड्रोम से भी आपका पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो सकती है। तो मैंने बताया कि सारे कॉजेज हैं कि मतलब पेप्टिक अल्सर डिजीज़ किस तरह से हो रही होती है, और पैथोजेनेसिस भी उसमें जब भी आएगी तो हाइपर एसिडिटी इज़ द मेन कॉज, किसी भी वजह से हो सकती है। फिर वी हैव सर्टेन को फैक्टर्स, जैसे आप सिगरेट स्मोकिंग जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, जो लोग स्टीरोइड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, ये भी सारी चीज़ें आपकी स्टमक की ब्लड सप्लाई को कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं, और उसकी वजह से आपके एसिड जो है वो स्टमक की वॉल को डैमेज बहुत आराम से कर सकता है। ठीक होगी जी बात। अच्छा, मॉर्फोलॉजी में कैसा नज़र आता है आप जब इसको देखते हैं, तो इट इज़ मोस्ट कॉमनली, मैंने आपको बता दिया कि स्टमक में या फिर फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडनम में, बल्कि ड्यूडनम में ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, ठीक है? स्टमक से ज़्यादा ड्यूडनम में हो सकते हैं ये। उसके बाद इसमें जब आपको देखेंगे तो शार्पली शार्प सा अल्सर का मतलब है कि आपकी अगर म्यूकोजल सरफेस थी ये पूरी की पूरी, तो ये ऐसे करके बड़ी क्लीन कट सी इरोड हुई भी होती है, और इसमें ऐसे इतना बड़ा सा गड़ा बना हुआ होता है और बिल्कुल शार्प होता है, गोल या ओवल होगा, और इसकी बेस को जब आप इधर से कोई स्क्रेपिंग लेंगे, बायोप्सी लेंगे, तो आपको यहाँ पर क्लियर कट ग्रेनुलेशन टिश्यू सारा मिलेगा। ग्रेनुलेशन टिश्यू का मतलब है कि इन्फ्लेमेटरी एक्जुडेट होगा, एंटीजन कोई ना कोई होगा, और आपके बॉडी के वाइट सेल्स वगैरह वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है? क्योंकि एक पूरा अल्सर बना हुआ होता है, और अगर इस अल्सर में ब्लड सप्लाई तो जाहिर होती है, अगर ये अल्सर जो है वो इरोड कर जाए ब्लड सप्लाई तक, तो फिर आपका हेमरेज शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग या परफोरेशन जो है वो फिर इमरजेंसी बन जाती है, बिकॉज आपका मुसलसल ब्लीडिंग कैन लीड टू लॉस ऑफ द पेशेंट, डेथ ऑफ द पेशेंट। पेशेंट्स प्रेजेंट जो करते हैं वो आपको मैंने बताया इसी वजह से एपिगैस्ट्रिक पेन है, चेस्ट पेन है, या फिर खाना हजम नहीं होता, हार्ट बर्न है, सीने में जलन है, यही सारे उनके जनरल से सिम्टम्स होते हैं। और कभी कभार जो पेशेंट्स हैं वो इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि मुझे खून की उल्टी आती है, या फिर मुझे खून आता है बड़ा पेशाब वगैरह करते हुए, जिसको मतलब स्टूल मिलीना ब्लड जो आपका होता है वो वाले, उसके हिसाब से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। एक बात आपने याद रखनी, जब आपके पास सिनेरियो आता है ना, तो दो चीज़ें बस आपने डिफ्रेंशिएट करनी होती है कि आइदर ये गैस्ट्रिक अल्सर है या ड्यूडनल अल्सर है। अगर वो आपसे कहते हैं, बात बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, अगर वो आपसे सिनेरियो में ये कहते हैं कि पेशेंट को वो कहते हैं कि खाने के फौरन बाद, इमीजिएट का वर्ड इस्तेमाल किया, इमीजिएटली आफ्टर मील अगर उसको पेन बढ़ जाती है, अगर उसे स्टमक पेन और वो इमीजिएटली आफ्टर मील बढ़ जाती है, तो ये है आपका गैस्ट्रिक टाइप ऑफ अल्सर, गैस्ट्रिक टाइप ऑफ हेप्टिक अल्सर। और अगर वो कहते हैं कि खाने के 1 से 3 घंटे बाद, या फिर खाली पेट में, या फिर रात के टाइम, रात को आपको पता है पेट खाली हो जाता है, उस टाइम दर्द ज़्यादा होता है, तो फिर वो है ड्यूडनल अल्सर, ठीक है? तो आपने ये बात अपने जहन में पक्की जहन नशीन कर ली कि खाने के फौरन बाद, यानी खाना अंतर जाता जाएगा, तो जो दर्द करेगा वो गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं, और जो खाली पेट में दर्द करेंगे, या फिर जब खाना कम होगा, मतलब आपके स्टमक में फौरन फौरन नहीं बल्कि थोड़ी देर बाद, वो ड्यूडनल अल्सर है। इसकी क्या वजह है कि इमीडिएटली जब खाना जाता है तो पहले स्टमक में जाता है ना, तो ड्यूडनम में फौरन तो नहीं जाता, तो स्टमक के चर्निंग के बाद इतना टाइम लेके जब वो ड्यूडनम में जाएगा तो तब वो दर्द करेगा ड्यूडनम का, ठीक है? तो ये आपने बात बस डिफरेंस याद रखना है, और फिर आपको पेपर इंशाल्लाह आसानी से हो जाएगा। फिर जो भी कॉज होती है हमें उसको इरेडिकेट करना होता है, एच वाले रहे तो एंटीबायोटिक्स है, एनएसएड्स है तो उसका यूज़ खत्म करेंगे, और साथ हम मेडिसिन देंगे जो हील करने में हेल्प आउट करती है। यहाँ तक बात खत्म होती है, बाकी मैं अगले पार्ट बताती हूँ। अभी तक कोई मसला हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।